दोस्तों, दुआ करते हैं कि आप लोग हर तरफ अच्छा ही होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज पूरा सुबह से पूरा बारिश हो रहा है दोस्तों, हम लोग अभी कहीं जाने नहीं सक रहे हैं और घर में अभी बारिश कुछ कुछ अभी देखिए छोड़ा हुआ है और हल्का हल्का धूप निकल रहा है दोस्तों। और अभी अरे लक्ष्मी, तू कहाँ चढ़ गई रे ऊपर में? ऊपर में चढ़ गई, जीत कर रही थी ना इसीलिए। ये अपना मम्मी के पास ये चढ़ गई ऊपर में। तो दोस्तों, हम लोग अभी घर का काम करने जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। मेरा मम्मी बोल रही है कि इसको खाना उना कुछ बनाने के लिए, सब्जी उब्जी। तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं बनाने के लिए। ऐसे भी बैठना, तो चलिए चलते हैं दोस्तों, हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी पानी छोड़ा हुआ है और काफ़ी सीढ़ी सब नहीं ढाके हुए हैं, तो पानी इधर से घुस जाता है दोस्तों हम लोग को अंदर में भी। और यहाँ दूसरा का भी छत है, सबका सटा हुआ छत है थोड़ा सा कॉलोनी वाला। तो देखिए, अभी नीचे की तरफ हम उतर रहे हैं दोस्तों, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। और इस तरफ से दोस्तों पूरा बारिश ऊपर से गिरता है तो पूरा नीचे आ जाता है। और दीवार भी पूरा भींग चुका है दोस्तों, और बहुत काफ़ी दिन से ये दीवार प्लास्टर नहीं हुआ है तो ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग जैसे खाना उना बनाते हैं यहाँ पर, तो पूरा काला हो गया है, जैसे ये देखिए पूरा एकदम काला हो गया है। लकड़ी से बनाते हैं दोस्तों तो काला हो जाता है, ताज़ा भी है कुछ। तो देखिए यहाँ पर अंदर में आ गए हैं दोस्तों, यहाँ लाइट वगैरह नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूर्णिमा जी चढ़ा चुके हैं और मेरा मम्मी का हेल्प कर दे रहे हैं। तो देखिए ये बन रहा है, सब्जी बन रही है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, करेली दो गो था तो उसी को अभी पूर्णिमा जी बना रहे हैं यहाँ पर। मेरा पापा अभी रामगढ़ जा रहे हैं कुछ सामान लाने के लिए। आज दुर्गा पूजा है दोस्तों, आज नवमी है, कल मेला देखने गया था, अभी भी मेरा टीका है ये है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर अभी करेली बोलते हैं ना, करेली है दो गो था, उसको भुजिया बना रही है पूर्णिमा जी। और अभी हम लोग खाना उना बना रहे हैं दोस्तों, और काफ़ी सुबह से बारिश हो रहा है इसके लिए हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं घूमने के लिए। तो सोचे आज हम लोग घर ही में खाने पीने का कुछ बनाते हैं। देखिए अभी काट रही है, और हमारा सब मेरा बड़ी है, मतलब कि मेरा भाव का बेटी खेल रही है आगे पे वहाँ दरवाजा पास, उस तरफ हमारा नल है जो पानी आता है दोस्तों। और देखिए वो हमारा भगिनी है जो जा रही है सो। और अभी कौन सा सब्जी बना रही है? आलू सोयाबीन का सब्जी, दिखाइए दोस्तों। आलू सोयाबीन का सब्जी बन रहा है, हो गया बस अब उतार देंगे सब्जी। उतारने के बाद भुजिया करेंगे, बनाएगी तब सब्जी होने वाला है दोस्तों। ए लक्ष्मी, तू मेला में कौन कौन सा मिठाई खाई रे? यहाँ बताओ बताओ, जल्दी आओ यहाँ पर, आओ यहाँ, आओ ना यहाँ लक्ष्मी, यहाँ आओ। बता दो पापा को कौन सा चीज खाई थी, कौन सा मिठाई खाई थी, पापा कौन सी खरीदी थी कल बता ना, बता दो ना, कौन सा मिठाई खाई थी, बता दो कौन सी खाई थी कल, पापा कौन सी खरीदी थी कल, आइसक्रीम ना, आइसक्रीम खरीद दिए थे दोस्तों कल। तो आप लोग देखे होंगे क्रीम के दुकान पे, मतलब कि गए थे तो खरीद दे रहे थे इन लोग को, ये लोग बोलने लगा कि पापा क्रीम खाएंगे, क्रीम खाएंगे। और कतारी भी ले दिए थे कल मेला में। और हम लोग साइड में गली में थोड़ा हवा हुआ लगता है दोस्तों, तो कपड़ा वगैरह रखे हुए हैं। अब मेरा सब्जी हो गया, हाँ ठीक है, इसका ननद था जो हेल्प कर दिया साथ। हाँ, आप इन लोग जानते होंगे कि मेरा पापा पहन के एकदम हो गए हैं जाने के लिए रामगढ़, और गमछा भी खोज रहे हैं अपना गले में लेने के लिए। तो इसको करली अब कटल हो गया है, और हमारा बहन और लाली उसको अब बनाने के लिए दे रही है, और इतारी बर्तन मिसने के लिए। जो मैंने यहाँ करली है ना, वो लोग भून देना, ठीक है, इसके बाद में फिर
हम चल जाएंगे बर्तन धोने के लिए, ठीक है? ताती पापा मुर्गा मिल तो देर पे खिले तो ले ले अभी हम जा रहे हैं तो ठीक है। के लिए भुंजिया करेली का देखिए ये भूंज रही है और कृष्णा का पापा थोड़ा गए हैं बाहर तरफ इसलिए हम मोबाइल पकड़े हैं। देखिए मेरे ननद है ही मेजली वाली है ननद तो ये भूंज रही है और हमको बर्तन धोना है। अभी बर्तन ज़्यादा चली है मतलब खाना खाने के लिए बर्तन नहीं है तो देखिए गंदा है सब बर्तन बाहर तरफ उधर गए खाना नहीं पका है लाली कखन बनेगा तुम्हारा बनेगा तो खाएंगे। अब खाना खाने के टाइम हो गया है आप फेल कर रहे हैं खाना बनाने में मिस्टेक कर रहे हैं खाना बना खाना पानी आ रहा था ना पकाए के ध्यान दीजिए पानी आने में भूख लगता है आपको नहीं है मालूम। ठीक है तो हम अभी नल तरफ जा रहे हैं इसको भूनने के लिए। तो पूर्णिमा जी अभी बर्तन धोने के लिए आ रहे हैं सामने ही है दोस्तों जो नल बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर है देखिए यहाँ पर नल जो है पानी उसमें आ रहा है और एक गमला में हम लोग छान रहे हैं पानी को और देखिए यहाँ पर नदी है नदी का नल जोड़ा हुआ है दोस्तों और नीचे पाइप दिया हुआ है तो पानी आ रहा है जैसे कि पाइप जोड़ता है जो सार कलेक्शन करता है वो हमला है। और ये बर्तन आ रही पानी काफ़ी साफ आता है दोस्तों एकदम फिल्टर पानी अच्छा है हम लोग इसी को पीते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत कचरा भी आता है दोस्तों इसमें अभी तो नहीं आता है और कभी कभी गंदा भी आता है खुद वो गंदा पानी जैसे लाल टाइप का फिर भी हम लोग छान के पी लेते हैं दोस्तों। फिर कहाँ जाएंगे यहाँ पर पानी का बहुत मतलब दूर में है दिक्कत भी है और एक दूर में है स्कूल है दूर में तो वहाँ पर एक चापाकल है तो वहाँ पर जाते हैं तो काफ़ी दूर पड़ जाता है और फिर भी अगर ये मतलब बंद हो जाता है पानी नहीं आता है तो हम लोग वहीं पर से लाते हैं। गरीब होने के कारण ना हम लोग यहाँ पे नल नहीं लगा सकते यहाँ पंप लगा दिए हैं तो बच्चे लोग तोड़ देते हैं ऐसे नहीं है कि मतलब कि कभी कभी बंद भी हो जाता है और उस समय बहुत दिक्कत होता है दोस्तों आप भूल ही रहे हैं वहाँ पर आप जाएंगे तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों बर्तन मिसल हो गया है पूर्णिमा जी के अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं दोस्तों ये हमारा गली है यहाँ पर घुसते हैं दोस्तों हम लोग घर की तरफ आ गए हैं। तो दोस्तों हम लोग कपड़ा जो कल मेला से आए थे जैसे दुर्गा मेला से तो कपड़ा भींग गया है और काफ़ी बारिश हुआ था दोस्तों तो अभी कपड़ा पूर्णिमा जी धो लिए हैं और छत में अभी घाटे के लिए आ रहे हैं कल भी जाना है मेला कल भी जाना है तो फिर से कपड़ा हम लोग धो के भी सुखा रहे हैं छत पे देखते हैं यहाँ पर बांस का एक लगा दिए हैं उसमें कपड़ा हम लोग धोते हैं उसे सुखाते हैं पूर्णिमा जी यहाँ पर घाट रहे हैं कपड़ा सूखने के लिए काफ़ी अभी धूप निकला है दोस्तों और काफ़ी बारिश हो रहा था सुबह से कभी निकला है आप लोग देख सकते हैं और अभी भी हल्का फुल्का मौसम है जो ख़राब थे दोस्तों कैमरा में शायद आप लोगों को दिख रहा होगा तो अभी भी पानी आने जैसा लग रहा है लेकिन फिर भी अभी कपड़ा सुखा लेते हैं मौसम अच्छा नहीं है हम लोग का इसीलिए अच्छा तरह से वीडियो हम लोग नहीं बना पा रहे तो दोस्तों चलिए बाहर का कुछ नज़ारा घूमने गाँव का इधर उधर हम लोग जा नहीं पा रहे हैं तो अभी घर में हम लोग वीडियो बना रहे हैं दोस्तों हवा भी चल रहा है लगता है सूख जाएगा देखी ना यहाँ पर सूखने के लिए दिए थे देसी झाड़ू दोस्तों तो देखिए अभी भींग चुका है पूरा एकदम बारिश आने के कारण पूरा भींग गया है और इसको भी छोड़िए दीजिए कम सूख जाएगा उसको वहाँ पर हटा दीजिए पूरा पानी अभी अभी है नीचे दूसरा जगह लगा दीजिए देखिए वहाँ पर पूरा पानी नहीं इतना इतना पानी देखिए चू रहा है इसको यहाँ इधर करिए यहाँ पर सूखा जगह में रख दीजिए तो यहाँ बांस पर रख दीजिए जहाँ बांस से था थोड़ा फैला के कर दीजिए ताकि सूख जाएगा चलिए ठीक है ठीक हो गया ना तो चलिए दोस्तों हम लोग
कृपाल को थोड़ा सा सरिया दीजिए, खराब हो रहा है यहाँ पर। ठेकेदार कब बोलता है आएंगे आएंगे ले जाएंगे बांस को, कब लेके जाके लेके जाएगा? हम लोग चढ़ा कर रख दिए हैं दोस्तों, तो लेके भी नहीं जाता है। थोड़ा सा प्लास्टिक व्लास्टिक ढक देते हैं कि सड़ जाएगा, बारिश होता है तो ये ठेकेदार का बांस जो है खराब हो जाएगा, और मानता नहीं। दोस्तों हम लोग चलते हैं नीचे कोर में, चलिए। ए रुकिए ना थोड़ा सा, क्या है वो उधर एक कपड़ा और है, जल्दी लेकर आइए। तो दोस्तों एक कपड़ा उधर था, रात में छूट गया था वो। हम नहीं सकेंगे उसमें, नीचे तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। तो करली दोस्तों हमारा भी तैयार हो गया, हम लोग उस तरफ आते आते घूमते हैं अभी। लाली तो हमारे पूर्णिमा जी भी आ गए, देखिए जी हो गया कि नहीं, हो गया लाली। पूरा दीवार काला हो गया है जी, देखिए ये करेला हम लोग का अरे तैयार हो गया। चलिए रख दीजिए पूरा काला का पापा का हो जाएगा, दो को था तो बना दी। चलो चलो दीवार लोग भी पूरा काला कर दिए एकदम जी, हम लोग पूरा काला। देखिए कृष्णा का पापा, देखिए कोदार सकता रहे हैं यहाँ पे, देखिए। हेलो दोस्तों, हम लोग फिश मछली पकड़ने के लिए एक दिन ब्लॉग मीडियम गए थे तो उस दिन पूरा ढीला हो गया था, तो उसी को हम अभी उसको टाइट कर रहे हैं क्योंकि खराब थोड़ा ढीला हो गया था, तो उसको हम लोग चिप्पी लगा कर और उसको हम टाइट कर रहे हैं कोदाल को। आज अच्छा से कर दीजिएगा वरना फिर मछली पकड़ने जाएंगे तो मछली पकड़ने का तो काम ही हम लोग तो जाने का नहीं है ना, सरिया में भी छोड़ने का होता है, बहुत चीज हम लोग इससे काम करते हैं दोस्तों। तो ये अच्छी तरह से इसको हम चिप्पी लगा दिए बांस का फाड़ फाड़ के दोस्तों, काफी टाइट हो गया, अब लगता है नहीं खुलेगा, तो इसको अभी रख देते हैं। क्या रख दीजिए, रखिए आप तो रख दिए। कृष्णा का पापा तो नल में पानी आ रहा है दोस्तों, हाथ धो ले रहे हैं कृष्णा का पापा, यहाँ नल में पानी आता है तो हम लोग धो लेते हैं, अब काफी कम आ रहा है, धो लेते हैं, दूर नहीं जाना पड़ता है, बगले में थोड़ा पानी आता है। नहाइएगा क्या? नहीं नहाएंगे नहीं, अभी खाना वाना खा लेंगे उसके बाद फिर नहाएंगे, अभी भूख लग रहा है तो अभी नहीं नहाएंगे। देखिए अच्छा से फेर तब तक इसको छान देते हैं, काफी भर जाएगा, उसके बाद फिर मकान अच्छा धोएंगे। तो घर की तरफ चलते हैं, चलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। घर का भाई, तो दोस्तों हम लोग एक दिन गए थे मछली पकड़ने के लिए और आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे उस वीडियो को, तो काफ़ी पोठी मछली होते हैं छोटा छोटा पीस का, तो लाए थे तो वही वाला अभी धूप उगा हुआ है दोस्तों, तो अब उसको हम लोग सुखाने के लिए जा रहे हैं। अभी पूर्णिमा जी उसको पकड़े हुए हैं, खाली पोठी मछली हैं, देखिए ये पोठी मछली है दोस्तों, तो इसको अभी हम लोग सुखा देंगे, तो काफ़ी थोड़ा कड़क होगा, थोड़ा से नॉर्मल जितना सुखाएंगे उतना अच्छा होता है। ये डोरिया मछली है ना, सांप के जैसा दिख रही थी, और देखिए परी मछली लोग, तेलपिया भी है, पोठी है, और कौन सा है, डोरिया मछली है, छोटा छोटा सा बच्चा है, और इसको हम लोग अभी सुखा देंगे। तो अभी पूर्णिमा जी बोलें कि चलिए सुखा देते हैं जी, तो इसको हम लोग चलिए सुखाते हैं। किधर लगाइए रखिएगा? बस यहीं पे रखना है, तो उधर रख दीजिए धूप में, चिड़िया वगैरह आएंगे तो खा जाएंगे, कौआ हुआ तो वहाँ पर रख दें। ठीक रहेगा वहीं पर, अच्छा से झांट कर रख दीजिए। सूपे पे रहने देते हैं ना? तो सूपे में रखिएगा, सूप में अच्छा रहेगा, कहे कि ये तो दूसरा मछली लग रहा है, ये चांदवा पोठी है, ये चांदवा पोठी बोलते हैं दोस्तों हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं अच्छा से, क्योंकि कांटा नहीं रहेगा हम लोग अभी छत में।
एक ही मछली में ज्वाइंट हो गया है जी। देखिए इसका मुंह इधर हो गया है और इसका मुंह इधर हो गया। देखिए दोस्तों इसका इसका जो मुंह है इधर हो गया है और एगो का इधर हो गया है, मतलब दोनों तरफ मुंह है। आप देखिए दोनों तरफ खुला मुंह मछली जी, देख रहे हैं सट गया है सुखाने के कारण। दोस्तों हम लोग इसको अच्छे तरह सुखा रहे हैं दोस्तों, दो मुंह खुला मछली। ये दोस्तों पूरा एकदम पूर्णिमा जी उसको एकदम अच्छे तरह से उसको फैला रहे हैं। सो पोठिया मछली है एकदम छोटा छोटा, इसको मस्त से आलू भाप के और इसको बनाएंगे ना जी, बहुत टेस्ट लगेगा है ना। आलू हो गया उसको भाप दीजिए और इसको फेंट दीजिए। अगर आप लोग खाते होंगे कभी सूखा मछली तो कमेंट में आप लोग लिखिएगा दोस्तों। अरे मात्र में एक टमाटर डालेंगे ना और खाइएगा। गाँव में हम लोग काफी मछलियाँ, जैसे बारिश उरिश होता है तो बाढ़ वगैरह आता है तो जाल उल लगाते हैं मच्छरदानी, तो काफी पोठिया मछली बोलते हैं वो फंसता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज हम लोग ब्लॉग वीडियो यहीं पर रखते हैं, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं एक अच्छे सर लेकर। और दुआ करते करेंगे कि आप लोग घर तरफ अच्छे से रहेंगे और खुश रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग ब्लॉग यहीं पर रखते हैं और अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।